तीनों बहुत क्यूट हो, पर आप तीनों में सबसे ज्यादा क्यूट बता कौन है? कौन है? कौन है पता है? इतनी खुशी हूँ, ये है इंटेलिजेंट लड़कियां भाई, ये है देख लो। अभी तबीयत ठीक है? कैसे कभी सेहत कैसे? मच्छर ने कहा आगे पीछे पीछे काट लिया क्या? लोगों को मैंने बोला था कि डेर दो भाई, तो यार मुझे डेर दो, आप कोई भी डेर दो। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो और हमेशा अच्छे रहना। मेरे भाई आ गए फिर से लड़कियों को ताड़ने। सही पकड़े हैं। ओके तो गाइस हम लोग आ चुके हैं इंडिया गेट पे। क्या कर रहे हैं दोनों? मजाक क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या दूर रहो इधर इधर क्या है? क्या चल निकल। ठीक हुआ? गूंगा बोला साहिबा। तो गाइस ये बहुत बोल रहा था, इसमें थूक लगा के गया इधर। ठीक है अब तू? क्या ठीक है? मतलब ठीक है? बड़े बड़े यूट्यूबर तो मतलब ठीक है। तू ठीक है? हाँ ठीक हूँ। चल ठीक है। और भैया कैसे, क्या हाल है भैया? तभी से गाली दे रहा है भैया। तो भाई बहुत दिनों बाद हमारे नितेश भाई आए। ऐसे क्यों कर रहे हो? तो भाई आज बहुत दिनों बाद नितेश भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो अभी चलते हैं नितेश भाई के साथ, जाके लड़कियों के साथ थोड़ा फ्लर्टिंग करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन है क्या कोई? चलो यार क्वेश्चन, तुम्हारे में दिमाग कहाँ है? तुम क्वेश्चन सोच के आओगे? लड़कियों का कहाँ रहता है? तो चलेगा इन लोगों को मद्देनजर रखते अपने इंडिया गेट को और चलते और जाके यार थोड़ा ब्लॉग को फनी करते। A few moments later. तो गाइस जैसे कि इंडिया गेट पे आया था भाई, हमेशा की तरह भीड़ लगा दिया हमारे हर्ष भैया ने। और हर्ष भाई बहुत दिन बाद अपने तबीयत को ठीक कर गया है, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो हॉस्पिटल में भी एडमिट थे। तो गाइस हमारे छक्का भैया ये रहे। अबे नहीं यार मजाक नहीं, मेरे भाई के साथ ओए हट जाओ। यार भाई एक बात बताओ, अभी तबीयत ठीक है? कैसे कभी सेहत कैसे? मच्छर ने कहा आगे पीछे पीछे काट लिया क्या मच्छर ने? मेरे साथ ही क्यों भेदभाव होता है? One hour later. So भाई आज मैं इन लड़कियों से मिला। हाय एक बार हाय कर दीजिए। हाय। पता इनसे मिलके मेरे को एक बात पता चली गाइस, कि भाई इतने दिन से ना मैं सबसे क्वेश्चन पूछता था, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर कोई मतलब हर एक के एक का भी नहीं दे पाते थे। पहली बार मिले तीन माह से जिन्होंने मेरे को हर क्वेश्चन में बीट करा। आप देखना वीडियो, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो वैसे आपका नाम बता दो मेरे ब्लॉग में भी एक बार। I'm Monica. और आप? आप तीनों बहुत क्यूट हो, पर आप तीनों में सबसे ज्यादा क्यूट बता कौन है? कौन है? कौन है पता है? इतनी खुशी मुझे। मैं चीटिंग करता है तू। अरे जवाब मैंने दिया और मुझे क्यूट नहीं। अच्छा आपको क्यूट बोलना था ना? बोलो क्यूट। आप बहुत ज्यादा क्यूट हो। थैंक यू। अच्छा एक बात पूछना था आपको, आपका फ्यूचर प्लान है क्या कुछ? क्या फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? इधर घूम जाओ थोड़ा सा। मैं फ्यूचर प्लान क्या बोलूं, अभी तो फ्यूचर में आप क्या स्टडी कर रही हूं, अब आगे क्या होता है फिर अभी इतना तो नहीं। कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं करा कि फ्यूचर में मेरे साथ शादी वादी होगी या कुछ? शादी का तो अभी नहीं सोचा है, लाइफ एंजॉय करना। लाइफ एंजॉय करना, घूम के। पर मैंने आपसे मिलते साथ ही ना मैंने अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए। ऐसा मत बोलो, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हाय गाइस। हेलो। आप लोगों का नाम? अनिशा। आकृति। वर्णिता। हाय नाइस टू मीट यू। अच्छा मुझे ना आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना था, पूछ सकता हूँ? नहीं। सबसे पहले तो ये बताइए लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या लड़कियाँ? ऑफ कोर्स लड़कियाँ। लड़कियाँ क्यों? मगर क्यों? तीनों ही इंटेलिजेंट। अच्छा आप तीनों इंटेलिजेंट हैं। भाई इसको लॉक करने, तीनों इंटेलिजेंट। ओके तो इंटेलिजेंट लड़कियों से थोड़ा इंटेलिजेंट वाला क्वेश्चन पूछते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा पानी में होती है, रहती सबके घर में? क्या क्या पैदा पानी में होती है, रहती सबके घर में? सबके घर में? हाँ सबके, आपके घर में, मेरे घर में, सबके घर में, पर पैदा वो पानी में ही होती है। बोलना मत। क्या क्या नहीं। क्या बोला तूने? मछली। क्या मछली? मछली मछली सब जैन से भाई इस बात हो सकता है। एक्वेरियम पानी? एक्वेरियम कहाँ से पानी से पैदा होता है? पानी तुमसे ना हो पाएगा।
पानी पानी में पैदा होगा, गंदा पानी। हाँ, ना, ना, ना। ये है इंटेलिजेंट लड़कियां भाई, ये है देख लो। गांधी जी जानते हो, गांधी जी को तो सब जानते हो। गांधी जी के पास 100 रुपीज है, 100 रुपए। 30 रुपए को उन्होंने एप्पल खरीद लिया, 20 रुपए को उन्होंने आटा पिसवा लिया, 50 रुपए उन्होंने हेयर कट करवा लिया। अभी उनके पास कितने रुपए? कैसे सब खर्च तो हो गया। वाह, जीरो। आप बताओ, पैसे में ही तो गांधी जी है पैसे में। अच्छा, इसलिए दीदी। वाह दीदी, इसलिए जीरो। नहीं नहीं, जीरो नहीं भाई, ये हमारी तीनों इंटेलिजेंट लड़की है। आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग बता दो, मैं इनको बता देता हूँ। असली बात यह है, गांधी जी के पास तो बाल ही नहीं थे, तो बाल कैसे कटवाएंगे? इंडिया गेट पर नितीश भाई और अपने दोस्त के साथ घूम रहे, अमन के साथ। तो भाई अभी हम लोगों को कुछ लड़कियां मिले, उनसे क्वेश्चन पूछा। और मैं एक बात बताऊं आप लोगों को यार, आप लोगों को मैंने बोला था कि डेयर दो भाई, तो यार मुझे डेयर दो। आप कोई भी डेयर दो, पर कोई वल्गर टाइप का मत देना, सिंपल सिंपल अगर हो सके तो मैं करूँगा। हर एक बंदा एक एक डेयर दो और मैं डेयर पूरा करूँगा। तो कमेंट बॉक्स में भाई डेयर यार स्पैम कर दो, पूरा डेयर से भर दो।